हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई डू आई सो मच फॉर मेकअप। आई डू दैट बिकॉज यू पीपल लव लाइक डूइंग दिस फॉर मी। बाय द वे, क्या है ना, जो अपना जो प्रोडक्ट होता है ना, मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ। ये मैंने सीखा है सिमरन दी से। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आई लव हर, जो भी उनका कॉन्टेंट होता है, आई लाइक हर स्माइल एंड वट एवर। तो जो भी आपकी स्किन, आपको उसको प्यार करना चाहिए। और जो भी मेरे जो प्रोडक्ट जो एक्सपायरी होने वाले हैं, मैं उनको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ताकि वो रीयूज़ हो जाए और वेस्टेज ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट की वेस्टेज ना होनी चाहिए, क्योंकि वो भी पैसों से ख़रीदे जाते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर रशील का शीट मास्क। बहुत ज़्यादा ढीला ढीला महसूस हो रहा था उस दिन, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हाइड्रेट करते अपनी स्किन को। काफ़ी अच्छा है। कुकुम्बर फ्रेग्रेंस मैंने यहाँ पे ली थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगा, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हुआ। तो आपको कभी लगे ना कि आपको बहुत थकान हो रही है, आपको फेस को थोड़ी सी रिलैक्स लेने की ज़रूरत है, तो आप शीट मास्क डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छा ग्लो भी आपको मिल जाता है, हाइड्रेटिंग प्रोवाइड होती है और एक अपलिफ्ट टाइप फील होता है आपको। एंड दैट इज़ ऑल द स्किन केयर। नेक्स्ट मैंने अपना जो CTM करती हूँ, यानी कि टोनिंग मॉइस्चराइजिंग अंडर आई क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, बेलीवीटा का, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।